बेटा तू देख तेरे बाप को तेरी सारी प्राइवेट फोटोज और वीडियो शेयर करता हूँ, और तेरे बाप को ही नहीं सोशल मीडिया पे तेरी सारी फोटोज और वीडियो वायरल कर दूंगा। भाई क्या चल रहा है, क्या अच्छा है? एक मिनट यार। हेलो, मुझे तो समझ नहीं आती, तेरे को मना करा था ना उस लड़के से बात करने के लिए, मिलने के लिए, तो फिर भी उस लड़के से मिली। बेटा तू देख तेरे बाप को तेरी सारी प्राइवेट फोटो से वीडियो शेयर करता हूँ, और तेरे बाप को ही नहीं सोशल मीडिया पे तेरी सारी फोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा। चल फोन रख। चल क्या रहा है इसका? तो पता नहीं यार, रोज का काम है इसका। जब देखो आग बबूला होता रहता है, पागलों की तरह लगा रहता है पूरे दिन उसके आगे पीछे, हमसे मिलने तक भी नहीं आता। अबे क्या बेवकूफ है क्या थोड़ा? क्या मतलब? मैं तू उसकी बंदी है वो तेरी? अरे मेरे भाई तेरी कभी सामने वाले को सुनाना पड़ता है। अबे जितना तू सब सुनाएगा वो भी तो उतना ही सुनाएगी। अबे वो पहले तुम दोनों अपनी बंदी संभाल लो, फिर मुझे ज्ञान बांटना। क्या मतलब क्या है तेरा? चल मुंह मत खुलवा मेरा। मैं कहने क्या चाहता है साफ साफ बोल। कैंटीन में बैठी थी कल तेरी बंदी राहुल के साथ। बेटा पहले उसको कंट्रोल कर ले, फिर मुझे सिखाइयो। क्या बकवास कर रहे हैं? रुक जा बेटा। हेलो सुरभि। हाँ राजी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, कल किसके साथ थे तुम कैंटीन में? तुमको किसने बोला? ये हम इतने देखा है तुम्हें, तुम अपने दोस्तों की बात सुनते रहते हो। अच्छा एक तो गलती तुम्हारी, ऊपर से मेरे को सुना रही हो तुम। अभी देखो तुम्हारी कैसे प्राइवेट फोटोस एंड वीडियोस तुम्हारे माँ बाप को दिखाता हूँ और इंटरनेट पे भी डालता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे घर से निकलती हो तुम। देखा लड़ाई करवा दी एक तो उसने यार। तुम में से राजीव कौन है? जी मैं हूँ, बोलिए आप कौन? मैं सुरभि का बड़ा भाई। क्या प्रॉब्लम होगी सुरभि और तुम्हारे बीच में? वो हमारा मैटर है, हम देख लेंगे। क्यों, अभी एक घंटे पहले तो तुमने सुरभि को धमकी दी थी कि उसकी प्राइवेट फोटोज और वीडियोस उसके घर वालों को लीक कर दोगे। हाँ तो मैं उसके घर से हूँ, बताओ क्या प्रॉब्लम है? अरे भैया वो ऐसे डराने के लिए कह दिया था। शाबाश, डराने के लिए तुमने उसको ऐसे बोल दिया। और अगर सुरभि डर के मारे कुछ कर लेती, अपनी जान गवा देती या कुछ ऐसा कर लेती जिससे हम सब रिग्रेट करते हैं, फिर क्या होता? अरे भैया कुछ किया तो नहीं ना? गलत कुछ किया नहीं, मैं बताऊं तुमने क्या किया है? तुमने एक क्राइम किया है, तुमने एक गैर कानूनी चीज करी है। जो तुमने फोन पे सुरभि को धमकी दी है ना उसकी प्राइवेट फोटोज और वीडियोस लीक करने की, तो सेक्शन 503 इंडियन पीनल कोड 1860 के अकॉर्डिंग ना जेल में बंद हो सकते हो तुम 2 साल के लिए। बताओ करूं तुम्हारी कंप्लेंट, करूं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट? अरे कुछ तो शर्म करो यार, एक लड़की को तुम ऐसे बोल रहे हो। इज्जत लड़की का गहना होता है और तुम उसकी इज्जत के साथ खेल रहे हो। शर्म आती है तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड बोलते हुए? अगर यही तुम्हारी बहन या तुम्हारे घर पे किसी लड़की को बोला होता तो क्या बीतती तुम पे? आज लास्ट वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ, आज के बाद अगर ये चीज हुई ना दोबारा तो सीधा जेल में बंद करवाऊंगा मैं तुम्हें।